जय माता दी दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है पाँच मई को रात आठ बज के पैंतालीस मिनट से शुरू हो जाएगा जो कि छ मई को रात एक बज के एक मिनट तक इसका असर रहेगा जैसा कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है तो भारत में ये ना ही दिखेगा और ना ही इसका सूतक काल मान्य होगा लेकिन ग्रहण का प्रभाव तो रहेगा ही और राशि पर भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है तो ऐसी कौन कौन सी राशि है जिस पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा और उनका प्रभाव पड़ने से उनकी जो किस्मत के ताले हैं वो खुलेंगे तो चलिए बताते हैं ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण का जो असर है सभी बारह राशि वाले जातकों पर पड़ेगा पर इनमें से चार राशि वाले लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो बहुत ही शुभ फल दे सकता है पहला मिथुन राशि मिथुन राशि वालों को चंद्र ग्रहण का जो पारिवारिक लिहाज है ना उससे बहुत ही सुफल देगा आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा धन का लाभ होगा लेकिन इस दौरान आपका किसी से मनमुटाव भी हो सकता है जो आप पर भारी पड़ सकता है लिहाजा इस समय थोड़ा बचकर भी रहे सावधान भी रहे सिंह राशि वालों को चंद्र ग्रहण सफलता देने वाला साबित हो सकता है करियर के लिए अच्छा समय है नौकरी व्यापार में लाभ हो सकता है कहीं से अचानक पैसा भी मिल सकता है परिजनों से रिश्ते बेहतर होंगे आप मेहनत करते रहें आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्र ग्रहण कन्या राशि वालों की कई समस्याएं दूर कर सकता है व्यापार करने वाले के लिए यह समय जमकर लाभ दिलाएगा वहीं नौकरी करने वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे नई प्रॉपर्टी गाड़ी भी खरीद सकते हैं आप मकर राशि वालों को यह चंद्र ग्रहण आर्थिक स्थिति में मजबूत कर देगा फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा कुछ जातकों को तो यह समय आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल दे सकता है बेरोजगारों को या मनचाही नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी शुभ समाचार मिलेगा ऐसे में ही चंद्र ग्रहण कुछ राशि वालों के लिए बेहद अशुभ भी रहने वाला है ऐसे में कुछ राशि वालों को सावधान रहने की खास जरूरत है वृषभ राशि वालों के लिए इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो शुभ नहीं रहेगा इस दौरान परिवार में किसी के साथ मतभेद हो सकता है मन अशांत रहेगा तो थोड़ा संयम से काम लें इस अवधि में करियर के लिहाज से भी आप परेशान रहेंगे मन चाहे नौकरी की तलाश जारी रहेगी अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत है परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे ऐसे में धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है कर्क राशि वालों को चंद्र ग्रहण के दौरान सतर्क रहना होगा अपने स्वास्थ्य को लेकर कार्य क्षेत्र में भी असफलता का सामना कर पड़ना पड़ सकता है आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है ऐसे में पैसों को सोच समझ कर खर्च करें इस दौरान भावना की कमी निराशा महसूस करेंगे लेकिन संयम के साथ आगे बढ़ें तुला राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो शुभ नहीं रहेगा इनके लिए ग्रहण आर्थिक परेशानियां लेकर आएगा तुला राशि वालों को सोच समझकर खर्च करना होगा इन्हें वाहन से भी हानि हो सकती है किसी दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं मीन राशि मीन राशि वालों के जो परिणाम होंगे चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए वो मिले जुले परिणाम रहेंगे इनके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है मीन राशि वालों को मानसिक कष्ट होने की संभावना है ग्रहण के दौरान कोई भी फैसला लेने से बचें इस दौरान परिवार के सदस्यों की सेहत का खास ख्याल रखें चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का वैदिक मंत्र है उसका जाप करेंगे तो उसका बहुत ही जो प्रभाव है नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाता है मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमः इसका जाप करना होता है और आप इसका भी कर सकते हैं ओम सोम सोमाए नमः इसका आप अधिक से अधिक बार जाप करना से चंद्रमा की भी जो नकारात्मक प्रभाव होगा आपकी राशि पर वो कम हो जाता है तो पाँच मई को लगने वाले चंद्र ग्रहण पे किन राशियों पे प्रभाव अच्छा रहेगा और किस पर नहीं अच्छा रहेगा साथ ही इसका प्रभाव कम करने का किस मंत्र का जाप करना चाहिए वो सभी जानकारी आपको वीडियो में दी गई है उम्मीद करती हूँ कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही मैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना है जिससे कि जो भी नई वीडियो चैनल पर आएगी उसकी जानकारी समय से आप तक पहुँच सकेगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय माता दी हर हर महादेव